कल सरकार ने वो किसानों के साथ जो मदद की बात की वो केवल घोषणा है और लोगों को गुमराह करने का, किसानों को गुमराह करने का काम किया है। पीक बीमा फसल उसमें 8,000 करोड़ रुपए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको प्रीमियम दिया है, उसके बदले में केवल 2,000 रुपये किसानों को मिलने वाले हैं, मतलब 25% भी वो 20% देंगे वापस, और 6,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा पीक बीमा कंपनी को होने वाला है। इसका मतलब यही है कि सरकार ने पीक बीमा कंपनी का जेब भरने के लिए ही ये फैसला लिया है और 6,000 करोड़ में सरकार के बहुत सारे लोगों का उसमें फ़ायदा होने वाला है, उनको हिस्सा भी जाने वाला है, कौन कौन लेने वाले उसका भी पता होना चाहिए। और सरकार ने इस तरह किसानों के साथ धोखा किया है। जहाँ रहा सोयाबीन का फसल हो, धान की फसल हो, और रहा अपने प्याज हो, ये संतरा हो, इसके लिए कुछ भी मदद सरकार ने घोषित नहीं की, केवल आंकड़ों का खेल जो होता है वो खेल इन्होंने दिखाया और बड़े बड़े आंकड़ों को बताकर किसानों के साथ धोखा देने का काम, गुमराह करने का काम किया है। इसलिए हम सरकार का निषेध करके वॉकआउट किया है।